हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है आज 27 मार्च 2023 को। सो क्या है ये नोटिस? सो ये नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर के बोस से रिलेटेड है। जो हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए थे KVS रिक्रूटमेंट 2023 के, जिनमें सबसे पहला एग्जाम था असिस्टेंट कमिश्नर का। सो केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन KVS फ्रॉम 10 अप्रैल टू 13 अप्रैल एंड फ्रॉम 17 अप्रैल टू 20 अप्रैल। तो यहाँ पर बीच में 2-3 दिन का गैप है और 10 से 13 के बीच में पहला इंटरव्यू फेज़ है और फिर 17 से 20 अप्रैल के बीच में दूसरा इंटरव्यू फेज़ है। द कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 7 फरवरी 2023। फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए थे, जिसमें पहला एग्जाम असिस्टेंट कमिश्नर का था, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, देन TGT, PGT, PRT और इस तरीके से सारे एग्ज़ाम हुए थे। तो होपफुली अब इसके बाद जो है हमें वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड TGT, PGT, PRT सभी के इंटरव्यू की डेट्स देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट इज अवेलेबल ऑन KVS वेबसाइट। द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी KVS हेडक्वार्टर्स, न्यू दिल्ली। कैंडिडेट में डाउनलोड देयर कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। ये सारा कुछ आप KVS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। और इसी के साथ साथ 2-3 और नोटिस यहाँ पर जारी हुई हैं, जिनमें से एक तो यही नोटिस है, दूसरा है आपका जो लिस्ट है पूरे कैंडिडेट्स की जो कि सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर आपको बताएंगे कि कितने गुना कैंडिडेट को लिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं जो क्लिक हियर, जो पहला वाला यहाँ पर नोटिस है, उसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में लॉगिन का ऑप्शन आता है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, और दूसरा आता है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। जब आप यहाँ पर दोबारा से ओपन करेंगे तो ये सबसे ऊपर की जो नोटिस है वो 27 मार्च वाली, वो आपको ओपन करनी है। वहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेशन नंबर डालते ही आपको लॉगिन हो जाएगा और आपका जो कॉल लेटर है, इंटरव्यू का लेटर है, वो डाउनलोड हो जाएगा। सो ये लिस्ट है उन कैंडिडेट्स की जो कि सेलेक्ट हुए असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट में इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी और PWD टाइप अगर कोई है, और उनकी डेट ऑफ इंटरव्यू, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। देखिए 52 के अराउंड वैकेंसीज थी और उनमें से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर आपको दिखाते हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं ये लिस्ट जाती है 157 के अराउंड, अप्रॉक्स 3 times कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। देखते हैं आगे आने वाली पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। सो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू।